हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ की रसोई। और उससे पहले मेक श्योर आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी पकौड़े। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, टेस्टी है और टी टाइम बेस्ट स्नैक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम फ्राई पैन लेंगे और फ्राई पैन में हम 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और पानी को अच्छे से बॉयल हो जाने देंगे। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो उसमें हम जो मैगी के साथ टेस्ट मेकर आता है वो ऐड करेंगे और इसको हम इसमें लम्स नहीं पड़ने देंगे, चलाते रहेंगे ताकि लम्स नहीं आए इसमें। और इसको भी एक हल्का सा वॉयल हम दे देंगे। उसके बाद हम मैगी इसमें ऐड करेंगे। मैगी को ब्रेक कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में और फिर मैगी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको 80% तक कुक करेंगे। हमें पूरा कम्प्लीटली मैगी नहीं कुक करना है, थोड़ा सा इसको हल्का सा टाइट पकाना है। तो चलिए मैगी हमने इसमें मिला दी है। अब इसको हम कवर अप कर देंगे लिड से ऐसे और इसको हम पका लेंगे, देखिए इस तरीके से। लेकिन अभी इसमें कुछ पानी रह गया है, पूरा पानी ही हमें सुखाना है। तो चलिए पानी को सुखा लेते हैं, फ्लेम को हाई कर देंगे और हम ड्राई कर लेंगे मैगी। तो चलिए मैगी कम्प्लीटली जैसी हमें चाहिए थी वैसे रेडी हो गई। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, इसमें इसको ट्रांसफ़र करेंगे और मैगी को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जी हाँ, चलिए मैगी को ठंडा होने देते हैं। और ठंडा होने के बाद इसमें हम एक प्याज काट लेंगे, उसको ऐड करेंगे। ज़्यादा कुछ सब्जियाँ मैंने ऐड नहीं की हैं क्योंकि जो घर में अवेलेबल है उन्हीं सब्जियों से मैंने इसको बनाया है। तो ये प्याज मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, आप चाहें तो खड़ा जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। फिर इसमें हम 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आपका लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। फिर हम इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच, आप चाहे तो अवॉइड कर दें अगर स्पाइसी नहीं खाते। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे एज पर टेस्ट, और क्योंकि हम टेस्ट मेकर मिला चुके हैं इसलिए हमें नमक उसी हिसाब से डालना होगा। और फिर इसमें हम राइस फ्लोर ऐड करेंगे, चावल का आटा 4 चम्मच, छोटी 4 चम्मच ऐड किया मैंने, ज़्यादा नहीं ऐड किया, देखा आपने। फिर इसमें ऑरिगेनो, थोड़ा सा चटपटा और करने के लिए ऑरिगेनो हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और फिर इसमें हम थोड़ा 1/2 कप स्टार्च पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि हमें बाइंडिंग चाहिए होगी। चावल का आटा इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हमने ऐड किया था, स्टार्च फ्लोर हम इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। और पानी बिल्कुल आप देख रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर है, इतनी पानी से मैं आटा लगा लूँगी कि ज़्यादा हमें गीला आटा नहीं लगाना है। अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, कंबाइन कर लेंगे और एक डो हम रेडी करेंगे। एक डो हम रेडी कर लेंगे इस तरीके से। और चलिए डो हमारा रेडी हो गया है, अब बारी आती है पकौड़े बनाने की। तो चलिए एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और थोड़ा सा डो एक पोर्शन उसका लेंगे छोटा सा और उसको इस तरीके से हम शेप देंगे। आप चाहें तो जैसे शेप चाहें वैसे दे सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे रोल कर लिया, इसको ऐसे फिंगर की हेल्प से प्लेन कर दिया, फ्लैट कर दिया है। और अब इसको हम फ्राई करेंगे इस तरीके से, सारी ही डो की हम रेडी कर लेंगे, फटाफट से फ्राई करेंगे। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं, बनाते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। बहुत ही चटपटा नाश्ता बनके तैयार होता है और आप इसे सुबह चाय के साथ बच्चों के टिफिन बॉक्स का बहुत अच्छा ये आइडिया है। और देखिए ये पक गई है इस तरीके से गोला, देखिए टेक्सचर कितना प्यारा आ रहा है प्याज का, जो बड़ा बड़ा सा काट के डाला था, इसीलिए मैंने बड़ा प्याज काटा था साइज़ में लंबा लंबा सा। तो कैसी लगी ये रेसिपी, अगर दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।